नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस YouTube चैनल पे। देखिए, हम लोग जो पढ़ रहे थे एक कॉमन नेम ऑफ द निमेटोड, मतलब जो निमेटोड के जो कॉमन नेम होते हैं उससे रिलेटेड एक वीडियो आ चुकी है। ये है दूसरी वीडियो, ठीक है। इसमें भी हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे कि जो कॉमन नेम होता है निमेटोड का, उसको कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ 6 नंबर तक तो हो चुका है, मतलब ये हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे यहाँ से 7वें नंबर से पढ़ेंगे, सीड गाल निमेटोड या ईयर कूकल निमेटोड। देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एंगियोना ट्रीटिसाई इसे कहते हैं, इस निमेटोड को। और यही जो है, यही फर्स्ट प्लांट पैरासिटिक निमेटोड था, फर्स्ट प्लांट पैरासिटिक निमेटोड था। और इसको सबसे पहले जिसने रिपोर्ट किया था वो थे टी नीधम, एक साइंटिस्ट थे। तो ये चीज़ें जो है याद रखना है कि जो ईयर कूकल निमेटोड है, ये है एंगियोना ट्रीटिसाई, और यही जो था, यही फर्स्ट प्लांट पैरासिटिक निमेटोड था। और इसको सबसे पहले जिसने रिपोर्ट किया था, जिसने बताया था इसके बारे में, वो थे उस साइंटिस्ट का नाम था टी नीधम। और सबसे पहले दूसरी बात एक और है कि ये भी याद कर लीजिएगा, जो ईयर कूकल जो डिजीज़ होती है 21 क्रॉप में लगती है, तो ये याद रख लीजिएगा कि ये वीट में लगती है, ठीक है। तो वीट भी याद रखिए, डिजीज़ का नाम भी याद रखिए, क्रॉप का नाम भी याद रखिए, और किससे होता है उसको भी याद रखिए। और जैसे एंगुना ट्रीटिसाई दे दिया, अब हो सकता है कभी ऑप्शन में केवल निमेटोड दे दे, तो ये भी याद रखिएगा कि एंगुना ट्रीटिसाई जो है एक निमेटोड है, और यही जो था, यही फर्स्ट प्लांट पैरासिटिक निमेटोड था, जिसको टी नीधम ने सबसे पहले रिपोर्ट किया था। और ये ईयर कूकल डिजीज एक होती है वीट में, वही ये डिजीज काज करता है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा जो हम लोग देखेंगे, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम लोग कहते हैं टुंडू डिजीज, या इसी का नाम है सेहू डिजीज, या इसी को एक और नाम से येलो ईयर रॉड भी कहते हैं। ये जो डिजीज होती है, ये एंगुना ट्रीटिसाई और क्लेविबैक्टर ट्रीटिसाई से होता है। अब देखिए, एंगुना ट्रीटिसाई जो है यह एक निमेटोड है, और क्लेविबैक्टर जो है एक बैक्टीरिया है, ठीक है। तो कभी कभी ऑप्शन में आपको आ जाएगा, जिसमें क्या है कि ये एंगुना ट्रीटिसाई या क्लेविबैक्टर ट्रीटिसाई नहीं दिया होगा, वहाँ दिया होगा निमेटोड प्लस बैक्टीरिया, तो ये भी याद रखिएगा। और हो सकता है कभी एक क्लेविबैक्टर की जगह एक और बैक्टीरिया का नाम दिया हो, कोरोनरी बैक्टीरियम, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो इतनी चीज़ें इससे रिलेटेड याद रख लीजिए। टुंडू डिजीज जो है किस में लगती है, वीट में लगती है, पहला क्वेश्चन। सेहू डिजीज किस में लगता है, वीट में लगता है। येलो ईयर रॉड डिजीज जो होता है, वीट में लगता है। अब ये डिजीज किससे होती है, ये डिजीज होती है एंगुना ट्रीटिसाई से और क्लेविबैक्टर ट्रीटिसाई, बोथ ऑप्शन टिक करिएगा, ठीक है। या ऐसे प्लस में दिया हो तो प्लस, मतलब तब तो ठीक है, अगर ये एक ऑप्शन दिया हो एंगुना ट्रीटिसाई, दूसरा दिया हो क्लेविबैक्टर ट्रीटिसाई, तो बोथ ऑप्शन टिक करिएगा, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि मतलब ये एंगुना ट्रीटिसाई एक निमेटोड है और क्लेविबैक्टर जो एक बैक्टीरिया है, तो ये भी याद कर लीजिएगा। हो सकता है कभी ऐसा दे दे कि जो टुंडू डिजीज होती है किससे होती है, ऑप्शन में दिया हो निमेटोड प्लस बैक्टीरिया, निमेटोड प्लस फंजाई, निमेटोड प्लस एल्गी, तो इसमें क्या करोगे आप, निमेटोड प्लस बैक्टीरिया टिक करोगे। तो ये भी हो गया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिजीज ये है। अब जो अगली जो डिजीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे सीरियल सिस्ट निमेटोड। देखिए, सिस्ट निमेटोड की दो स्पीसीज होती हैं, एक देखिए सीरियल सिस्ट निमेटोड होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है पोटैटो सिस्ट निमेटोड, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं, ये पोटैटो सिस्ट निमेटोड है, और ये जो है एक है सीरियल सिस्ट निमेटोड। तो दोनों को याद करने के लिए क्या करोगे, कैसे कौन सी ट्रिक अपनाओगे, तो देखिए सबसे पहली बात है पोटैटो सिस्ट निमेटोड अगर हम लोग याद करें, तो पोटैटो सिस्ट निमेटोड को याद करने के लिए देखिए पोटैटो है, और ये जो पोटैटो सिस्ट निमेटोड जो है वो है ग्लोबोडेरा
रोस्टोचाइनेंसिस, ठीक है, ग्लोबोडेरा। अब कैसे इसको याद करोगे, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा सीरियल सिस्ट नेमेटोड और पोटैटो सिस्ट नेमेटोड। तो इसको कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए देखिए, पोटैटो कहाँ होता है, ग्राउंड में होता है, यानी अंडरग्राउंड होता है। ग्राउंड होता है यानी जी होता है, तो जी है तो ग्लोबो है। तो बस इसी ऐसे याद कर लिया, जो पोटैटो होगा वो कहाँ होगा, ग्राउंड में होगा, ज़मीन होगा यानी अंडरग्राउंड में होगा। तो ग्राउंड में होगा तो जी होगा, तो जी से ग्राउंड होता है और जी से ग्लोबो डेरा होता है। तो इस तरह से ग्लोबो डेरा ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा सीरियल सिस्ट नेमेटोड आ गया। अब सीरियल सिस्ट नेमेटोड के लिए क्या करोगे, देखिए सीरियल ऐसे समझिए कि कोई सीरियल है, सीरियल्स मतलब या तो राइस होगा या तो वीट होगा, मेज होगा, बाजरा होगा, यानी ये सीरियल्स जो क्रॉप हैं। अब ये सीरियल्स जो हैं वो कहाँ हैं, ज़मीन के ये ऊपर रहते हैं, ठीक है, यानी हीट में रहते हैं। ऐसे याद कर लिए, हेटरो से हमें हीट, हीट मतलब सनलाइट में रहते हैं एकदम, जबकि जो पोटैटो होता है वो सनलाइट में नहीं आ सकता। अगर सनलाइट में आ गया तो उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस करने लगेगा, ठीक है, तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना है, जो पोटैटो होगा वो ग्राउंड में होगा, जी होगा ग्राउंड होगा, ग्राउंड होगा तो जी से ग्राउंड, जी से ग्लोबोडेरा। और सीरियल्स जो होंगे वो ग्राउंड के ऊपर होंगे यानी हीट में होंगे, हीट में होंगे मतलब हेटरोडेरा ए भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए हेटरोडेरा ए तो ठीक है याद हो गया, अब देखिए हेटरोडेरा एबिनी की वजह से ही एक डिजीज होती है जिसे हम लोग कहते हैं मोलिया डिजीज, मोलिया, ठीक है, मोलिया डिजीज। अब ये भी याद रखना है कि मोलिया डिजीज किस में होता है, तो वीट में होता है और बार्ली में होता है, तो दोनों याद रखिएगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें याद हो गई, तो मुझे उम्मीद है कि सीरियल सिस्ट नेमेटोड और पोटैटो सिस्ट नेमेटोड में अब आपको कन्फ्यूजन्स नहीं रह जाएगा, क्लियर हो गया। तो चलिए ठीक है, अगला देखते हैं कि अगला कौन सा नेमेटोड है। देखिए अगला जो नेमेटोड है ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये है रूट नॉट नेमेटोड। रूट नॉट जो नेमेटोड होंगे वो मेलेडोगाइनी स्पीसीज होगा, ठीक है, मेलेडोगाइनी स्पीसीज होगा। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा रटा रहता है, वैसे ये भूलता नहीं है। रूट नॉट नेमेटोड एक ही है, यही है मेलेडोगाइनी है, तो मतलब कोई इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है कि कहीं कुछ कन्फ्यूजन हो, ठीक है। अब अगला जो नेमेटोड की हम लोग बात करेंगे वो सिट्रस नेमेटोड। ये इस कौन सा है, टाइलिन च्यूलस सेमी पेनिट्रेंस, ठीक है। अब कैसे याद करोगे इसको, तो देखिए जैसे ही हम लोग नाम लेते हैं सिट्रस ट्रस, ठीक है, सिट्रस, सिट्रस में ही टी छुपा हुआ है और जो टी छुपा हुआ है उसी से शुरू हो रहा है टाई लिंक्यूलस, ठीक है। तो टाई है, टी है, सिट्रस का टी से मतलब, बस ऐसे क्या है, अगर कोई चीज़ जैसे याद ना हो आपको तो फिर क्या करिए, ऐसे लिख लीजिए सिट्रस, ऐसे लिखिए सिट्रस, और टी को ऐसे गोला करिए और टी इजकल टू ऐसे लिख लीजिए टाई लिंक्यूलस, ठीक है। तो ये ऐसे अगर दो तीन बार ऐसे प्रैक्टिस कर दोगे आप तो आपको याद ही हो जाएगा, भूलेगा नहीं कभी, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी शायद आपको याद हो गया होगा। अगला जो इसमें है वो है रेनीफॉर्म नेमेटोड। रेनीफॉर्म नेमेटोड, रेनीफॉर्म का मतलब होता है कि किडनी सेप, ठीक है, किडनी सेप, किडनी सेप। तो किडनी सेप जो नेमेटोड होंगे उसको हम लोग कहेंगे रेनीफॉर्म नेमेटोड। अब देखिए इसको, देखिए याद करने के लिए एक तो ये है कि इसका नाम है रोटाइलिन च्यूलस रेनीफॉर्मिस। तो एक तो इसमें रेनीफॉर्मिस छुपा हुआ है, रेनीफॉर्म ही छुपा हुआ है, तो एक तो ट्रिक ये हो गया कि हो तो इससे याद हो जाए। अब दूसरी जो ट्रिक है, ऐसे याद करिए, रेनीफॉर्म का मतलब होता है किडनी सेप। अब कोई रोटी बना रहा है पहली बार और रोटी वो किडनी सेप हो गई, ठीक है, रोटी जो बन रही है वो किडनी सेप हो गई, रोटी किडनी सेप, एक तो ये ट्रिक हो गई, एक तो इसमें इसका पूरा में रेनीफॉर्मिस में ही रेनीफॉर्म छुपा हुआ है, तो इससे भी को रिलेट कर लीजिएगा।
या तो ऐसे को रिलेट करिए कि रोटी बन रही है लेकिन पहली बार कोई बना रहा है और वो रोटी का जो शेप है वो पूरा किडनी शेप हो गया, ठीक है। तो इस तरह से भी याद हो गया, आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला जो निमेटोड है वो है स्टेम एंड बल्ब निमेटोड, और ठीक है, तो इसको कैसे याद करोगे? तो ये एक बात याद रख लीजिएगा आज के बाद, अगर कहीं भी स्टेम है, ठीक है, तो वहाँ डाइटाई लिंक्यूलस ज़रूर होगा, 100% होगा अगर कहीं भी स्टेम लगा है। जैसे स्टेम एंड बल्ब निमेटोड, अब बल्ब जो है, बल्ब क्या होता है, एक टाइप का तो स्टेम ही होता है, ठीक है। अब स्टेम, अब अगला जो है स्टेम निमेटोड ऑफ राइस, ठीक है। अब स्टेम निमेटोड, अब देखिए यहाँ भी स्टेम लग गया, तो इस वजह डाइटाई लिंक्यूलस एंगस्टस, तो ये भी हो गया। तो मतलब देखिए कॉन्सेप्ट, मतलब याद करने के लिए जो ट्रिक है, अगर कहीं स्टेम लगा है तो वो वहाँ जो निमेटोड होगा वो डाइटाई लिंक्यूलस ही होगा, ठीक है, यही होगा, 100% फिक्स है। अब कहोगे, अब देखिए कहोगे पोटैटो रूट निमेटोड है यहाँ पे, अगला जो है ये है पोटैटो रूट निमेटोड, तो कहोगे कि यहाँ रूट लगा है, लेकिन रूट को हमें नहीं ध्यान देना है, पोटैटो पे हमें कंसंट्रेट करना है। पोटैटो क्या है? स्टेम है, हाँ सबको पता है कि पोटैटो स्टेम है। तो स्टेम हमने कहा जहाँ स्टेम आ जाएगा वहाँ डाइटाई लिंक्यूलस आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये भी याद हो गया। तो चलिए अभी यहीं 15 तक ही इसको रोकते हैं, उसके बाद अगला जो अगली वीडियो मैं इसी पे लेके आऊँगा, लगभग 25-26 निमेटोड है जिनके कॉमन नेम है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस जल्द ही मैं शाम को ही तीसरी वीडियो से बना दूंगा, इस तरह की जो कॉमन निमेटोड के जो क्वेश्चंस हैं वो आपका कभी गलत नहीं होगा, और वीडियो, मतलब वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।